घांघू के शहीद राजेश कुमार फगेड़िया उच्च माध्यमिक विद्यालय के वार्षिकोत्सव में विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। प्राध्यापक रेखा मीना के निर्देशन में विद्यार्थियों की ओर से देशभक्ति और लोकरंग की खुशबू से भरी प्रस्तुतियों ने ग्रामीणों का मन मोह लिया। ग्रामीण लोक कलाकारों ने ढप एवं चंग की प्रभावी प्रस्तुति देकर ग्रामीणों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ग्राम सेवा सहकारी समिति के पूर्व अध्यक्ष परमेश्वर लाल दर्जी की अध्यक्षता और सीबीईओ बजरंग सैनी के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में होनहार विद्यार्थियों एवं भामाशाहों का सम्मान किया गया। महिपाल सिंह जी माला पहना रहे हैं, प्रधानाचार्य जी शॉल उठाकर। यूसुफ खान पहाड़िया प्रधानाचार्य आप उनका जोरदार तालियों के बीच में स्वागत होगा। बहनों का भी उतना ही स्वागत, उनका स्नेह है, जोरदार बच्चों की ताली। और इसी क्रम माननीय रामकरण जी से मेरा विद्रोह दानदाता भी है, क्योंकि आपका नारा है जीवन में जोड़ लो कितने भी हीरे मोती, बस इतना यात्रा भुक्त अपने जेब नहीं होता। अगर संदीप जी कपूरिया साहब, संदीप जी सियाग साहब का, रामकरण जी के साथ तैयार रहे, रोहितास जी का। ग्रामीणों की ओर से अनूठी पहल करते हुए बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करने वाले बालक बालिकाओं के लिए हर वर्ष नकद पुरस्कार की घोषणा की गई। इसके अलावा विद्यालय स्टाफ की ओर से करीब 51,000 रुपए का सहयोग विद्यालय विकास के लिए दिया गया। वहीं ग्रामीणों ने 1,00,000 रुपए से अधिक राशि मौके पर ही एकत्र कर दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता डॉक्टर एन ए खान ने कहा कि शिक्षक से समाज का संस्कार होता है और वह बदलाव की वाहक बनती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन हम शिक्षा के जरिए उस परिवर्तन को बेहतरीन और अधिकतम परिणामदायी बना सकते हैं। घर परिवार और राष्ट्र की रीढ़ होते हैं, इसलिए इसका प्रत्येक किसी भी क्षेत्र से ज्यादा महत्व माना जाता है। शिक्षा के माध्यम से ही हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे घर परिवार का विकास होता है। विशिष्ट अतिथि महावीर सिंह नेहरा ने कहा कि विद्यालय विकास के लिए हम सभी को आगे आकर प्रयास करने चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे मन लगाकर पाई करें और बेहतर परिणाम दें। विद्यालय में संसाधनों के सुदृढ़ीकरण के लिए सतत प्रयास किए जाएंगे। पिछले कुछ समय कोरोना के कारण ग्राम पंचायत धामू ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में प्रभावित रही। अब थोड़ा समय सुधर गया है तो मैं विद्यालय की, ग्राम पंचायत की कुछ उपलब्धियां जो चल रही है उनको आपके बारे में मेंस और छात्र छात्राओं के बाद में शेयर करना चाह रहा हूँ। सीबीओ बजरंग लाल सैनी ने राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी और भामाशाहों को विद्यालय विकास के लिए आगे आने का आह्वान करते हुए विद्यालय प्रार्थना सभा स्थल के लिए टिन शेड निर्माण की जरूरत बताई, जिस पर सरपंच विमला देवी की ओर से टिन शेड निर्माण की घोषणा की गई। इसके साथ ही ग्राम पंचायत की ओर से टॉयलेट ब्लॉक निर्माण की घोषणा भी कार्यक्रम में की गई। आपके आने से कितने चार चांद लगते हैं, बच्चों में कितना उत्साह होता है उसको देखते हैं। रही बात सहयोग की, सरकार अपनी तरफ से भरपूर सहयोग कर रही है, लेकिन आपका जो सहयोग है वो हमारे साथ लगाव पैदा करता है। विशिष्ट अतिथि युवा लेखक कुमार अजय ने कहा कि विद्यालय के बच्चे अकूत प्रतिभा से भरे हैं, हमें उनकी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने बच्चों से अनुरोध किया कि वे एक लक्ष्य बनाकर उस पर फोकस करें और जीवन में सफलता के आयाम तय करें। एक पत्रकार शाहरुख खान साहब का इंटरव्यू ले रहे थे, शाहरुख खान से पत्रकार महोदय ने पूछा कि आप अगर हीरो नहीं होते, आप अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते। शाहरुख खान ने कहा कि
मैं अगर हीरो नहीं होता और अगर एक्टर नहीं होता तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या होता, क्योंकि मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। फिर भी आप बताइए, हम जानना चाहते हैं अपने पाठकों के लिए कि आप हीरो नहीं होते, एक्टर नहीं होते तो क्या होते। शाहरुख खान ने जो जवाब दिया वो मैं आप सब लोगों के लिए कहना चाह रहा हूं। यहां पे शाहरुख खान बोले, मुझे नहीं पता कि मैं हीरो नहीं होता, एक्टर नहीं होता तो क्या होता, लेकिन मैं जो भी होता वो एक नंबर का होता। मैं चाहे नाई होता, बाल बनाता लोगों के, मैं चाहे दर्जी होता, कपड़े सिलता, मैं चाहे चाय बनाने वाला होता, मैं चाहे कचौरी बनाने वाला होता, या मैं चाहे कुछ भी काम करने वाला होता, मैं चाहे मजदूर ही होता, लेकिन मैं जो भी होता वो एक नंबर का होता। तो आप सबसे मेरा यही अनुरोध है कि प्रतिभा का एक ही रंग नहीं होता, केवल पढ़ाई में प्रतिभा नहीं होती है। बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हमने देखे, बहुत तरह की प्रतिभाएं आप में रंग बिरंगी हैं। उन्हीं रंग बिरंगी प्रतिभाओं से समाज बनता है, उन्हीं रंग बिरंगी प्रतिभाओं से देश बनता है, उन रंग बिरंगी प्रतिभाओं से विद्यालय बनता है, परिवार बनता है। आप में जो भी प्रतिभा है उस प्रतिभा को पहचाने और उस प्रतिभा को निखारने के लिए काम करें और कोशिश करें कि शाहरुख खान की तरह हमें भी एक नंबर का बनना है। मेरे पिता यहां बैठे हैं, हमेशा मुझे कहते थे कि जो भी काम करो लेकिन काम ऐसा करो कि कोई उससे बेहतर उस काम को करने वाला नहीं हो। इस दौरान पूर्व एथलीट हरफूल सिंह रिवार की ओर से खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी को हर साल 11,000 रुपए, परमेश्वर लाल दर्जी की ओर से 12वीं बोर्ड की टॉपर बालिका को ममता अवार्ड के रूप में प्रत्येक वर्ष 11,000 रुपए, ममता अवार्ड की तर्ज पर पूर्व सरपंच नाथी देवी की ओर से 10वीं बोर्ड में टॉप करने वाली बालिका को प्रत्येक वर्ष 11,000 रुपए, 12वीं में टॉप करने वाले बालक को यूसुफ खान पहाड़ियान की ओर से प्रत्येक वर्ष 5,100 रुपए, 10वीं में टॉप करने वाले बालक को विद्याधर रिवार की ओर से प्रत्येक वर्ष 5,100 रुपए, लिखमाराम नोखवाल की ओर से 8वीं बोर्ड में टॉप करने वाले बालक को प्रत्येक वर्ष 5,100 रुपए तथा जांगिर परिवार की ओर से 8वीं टॉप करने वाली बालिका को 5,100 रुपए प्रत्येक वर्ष दिए जाने की घोषणा की गई। इस दौरान हाल ही में दिवंगत हुए शिक्षक शिशुपाल सिहाग की स्मृति में विद्यालय में सरस्वती वाटिका के निर्माण की घोषणा उनके परिजनों की ओर से की गई। इसके अलावा संदीप कपूरिया की ओर से खेल सामग्री पोल वॉल्ट के लिए करीब 8,000 रुपए देने की घोषणा की गई। प्रधानाचार्य प्रताप सिंह कुमावत ने स्वागत उद्बोधन में विद्यालय की उपलब्धियों और आवश्यकताओं से अवगत करवाया तथा विद्यालय विकास में योगदान देने वाले भामाशाहों का आभार जताया। वार्षिक उत्सव के बारे में थोड़ी सी चर्चा के रूप में और विद्यालय की जो बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। ये जो वार्षिक फंक्शन है वो केवल मूल रूप से सरकार का ये 2020 से लागू किया गया, ये तीसरी साल, इससे पहले एक्सप्रेस ही हुआ करता था। प्राध्यापक रेखा मीना ने आभार जताया, संचालन सतवीर झाझड़िया ने किया। कार्यक्रम में LIC की ओर से भी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। सिया बरबड़ के बाद में आमंत्रित करूंगा, और दोनों का अटूट कितना संबंध और प्रेम था। रजनीत के बाद 12वीं कला वर्ग में मोनिका कुमारी थी, कला सामने देखो सर, मोनिका के बाद ये तमाम पुरस्कार LIC 10th क्लास पलक से सामने देखो सर। माया तवर 9, अभी आपने गायन जो सुना दिला, माया, मोनिका, सलमा और रुक्साना। इस दौरान पूर्व सरपंच नाथी देवी नेहरा, सूबेदार सफी मोहम्मद, उप सरपंच पूर्ण सिंह शेखावत, राजेश जांगिर, रामलाल फगेड़िया, शफी मोहम्मद गांधी, प्रधानाचार्य जगदीश खेड़ीवाल, राधेश्याम नोखवाल, अब्दुल हबीब नवरी, बन्ने खां, रंजीत सिहाग, रामकरण दनेवा, रामचंद्र प्रजापत, वार्ड पंच सांवल राम, गिरधारी प्रजापत, प्रो महेंद्र बेनीवाल, LIC के शाखा प्रबंधक रामधन बुडानिया, विकास अधिकारी सुरेंद्र बाकोलिया आदि मंचस्थ थे। वार्ड पंच वसीम अक्रम, बोलू खां, रामकरण राहर, प्यारेलाल फगेड़िया, राधेश्याम दर्जी, बीरबल नोखवाल, राजेश जांगिर, महादेव जांगिर, राजकुमार मेघवाल, दिलीप मेघवाल, किशनाराम नायक, राधेश्याम धानक, आजम अली खां सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण, शिक्षक, विद्यालय स्टाफ एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम में परवेज अहमद, महिपाल सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार, रामस्वरूप, रामरक्ष शिवरान, ममता पुनिया, वरिष्ठ अध्यापक श्री शराम श्योरान, सुभाष चंद्र वर्मा, बाबूलाल गुर्जर, मनोज शर्मा, रेखा शर्मा, सुमन कसवां, विजयलता, विद्या, मुकेश कुमार शर्मा, प्रयोगशाला सहायक पूनम मीना, कमलेश, अरविंद सैनी, रामेश्वर लाल सैनी, सुरेश भार्गव, तुलछाराम ने सहयोगी भूमिका निभाई।